हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद एक छोटा सा व्लॉग आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो कि यहाँ कालिम्पोंग के सेंट अगस्टिन स्कूल का जो स्कूल कॉन्सर्ट हुआ था उसका छोटा सा मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, स्कूल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यह स्कूल कैसा है। तो ये रहा सेंट अगस्टिन स्कूल का गेट। तो यहाँ से होते हुए हमें नीचे जाना है और चारों तरफ आप देख सकते हो पेड़ ही पेड़ है ना। एवरीवेयर यू कैन सी द ट्रीज। एंड देन नीचे आप देखिए वहाँ पर जो कि है स्विमिंग पूल। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाते हुए आप स्कूल को देख सकते हो और यहाँ पर इस व्यू का आप मज़ा ले सकते हो। तो चलिए मेरे साथ फ्रेंड्स। तो नीचे हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से स्कूल बिल्डिंग यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो सेंट अगस्टिन पहुंचने के लिए मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो था यहाँ पर चार गेट है। पहले दो चला गया है, ये तीसरा गेट है। यहाँ से हम लोग हमारे स्कूल को यहाँ पर पास करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे की तरफ। तो ये लास्ट गेट आता है जो कि फोर्थ गेट है। तो चलिए इससे नीचे हुए चलते हैं और देखते हैं स्कूल कैसा है। तो जैसे कि इस साल यहाँ पे प्लैटिनम जुबली मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो एलुमनाई है उन लोगों को भी यहाँ पर वेलकम किया गया है और बहुत सारे एलुमनाई भी यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ से आप देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको प्राइमरी ब्लॉक का भी थोड़ा सा झलक दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये प्राइमरी ब्लॉक कैसा है आप देख सकते हो। तो मेरे साथ आइए और देखिए प्राइमरी ब्लॉक कैसा है। तो यहाँ से इस यहाँ पे ये गेट आप देख रहे हो, तो गेट से अंदर की तरफ आपको जाना है और आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइमरी ब्लॉक है। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो ना, ये बास्केटबॉल कोर्ट है। ये यहाँ पर बास्केटबॉल खेला जाता है। ब्यूटीफुल सा स्कूल है ये, ICSE बॉयज़ स्कूल है कालिम्पोंग का। और इसके बाद नीचे की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंडरी ब्लॉक। तो आप देख रहे हो बच्चे लोगों का चहल पहल, सारे खुश लग रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड बनाए गए हैं जहाँ पर स्कूल के जो अचीवर्स है 2023 के टॉपर्स, उनके फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाए हैं और CCA एक्टिविटीज़ के यहाँ पर फ़ोटो भी लगाए गए। तो बड़ा बड़ा बोर्ड यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद चलिए नीचे की तरफ हम चलते हैं और स्कूल को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ओवरक्राउडेड है आज, जहाँ तहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स है, एलुमनाई लोग आए हुए हैं और पेरेंट्स लोग भी वेट कर रहे कि प्रोग्राम कब शुरू होगा। तो आगे चलते ही मुझे अपना बेटा मिला यहाँ पर। सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी मी एंड ही वॉज़ विथ हिज फ्रेंड। एंड देन उसके बाद हम आगे की तरफ गए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पिक्चर्स क्लिक किया और मेरे आगे यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ जो नए हैं, है ना, जिन्हें मालूम नहीं, ये ADM ब्लॉक है और प्रिंसिपल ब्लॉक है ये पीछे वाला। इसके बाद हम आगे गए तो यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब का यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर इन्होंने किया था, जितने भी इनको ट्रॉफीज़ मिले हैं, चैम्पियनशिप का ट्रॉफी, रनर्स अप, है ना, बास्केटबॉल, फिर उसके बाद वॉलीबॉल, फुटबॉल, उसके बाद टेबल टेनिस, चेस, सो मेनी ट्रॉफीज़ वर देयर एंड इट वाज रियली नाइस टू सी इट। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पर पेंसिल से स्केच कर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर स्केच बनाया है। और यहाँ पर स्विमिंग का यहाँ पे स्विमिंग भी होता है बाय द वे। तो यहाँ पर स्विमिंग के जो रिजल्ट्स है वो भी यहाँ पर लगाए गए थे। और यहाँ पर जितने भी अभी तक सेंट अगस्टिन स्कूल का जितने डायरीज बने हैं ना, तो सारे डायरीज को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था। उसके बाद हम बाहर की तरफ निकले। ये सेकेंडरी ब्लॉक है और यहाँ पर इन लोगों का बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टग ऑफ वार चल रहा था
और टीचर्स और एलुमनाई के बीच में। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉल लगा हुआ था, ये सारे गेम का स्टॉल था, तो बच्चे लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और मतलब एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी ना, बच्चे लोग मतलब उन लोग हर चीज़ इंजॉय कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। और मैंने जो देखा यहाँ का नज़ारा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं हॉल की तरफ जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। तो आगे ही मैंने देखा यहाँ पर गोरेटो था और मदर मैरी का स्टैचू था जो कि रॉक में बनाया गया था। उसके बाद सारे अंदर घुस गए। तो अभी प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ा सा वक्त था, सारा कुछ ठीक किया जा रहा था और पेरेंट्स से ये हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ प्रोग्राम अब शुरू होने वाला था। और देखिए थोड़ा सा मैं इस हॉल का भी नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। पूरा जो है पैक्ड हो चुका है पेरेंट्स से। और ये इन लोग का स्टेज है यहाँ पर। और इससे पहले उन्होंने थोड़ा सा स्कूल का एरियल व्यू भी दिखाया था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। Successes of our students in many fields after they have passed out of this issue. Bye.
qualify for now on a high position, wherever you are, but still you always remember. Thank you for remembering us and remembering. Sessions.